आज मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप के अंदर कैसे हम लोग किसी भी व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह कैसे मूव कराते हैं फोटो के अंदर। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, फिर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। एग्जांपल देखिए, पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तीन यहाँ पे फीमेल है और एक मेल का फ़ोटो यहाँ पे। अब ये जो फीमेल है देख सकते हैं, इसको अगर मुझे इधर मूव कराना है तो देखिए मैंने कैसे मूव कराया। देखिए फीमेल अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दूसरे फोटो देखिए, दूसरा फोटो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे जो फीमेल थी उसको मैंने इधर से इधर मूव किया। देखिए फोटो में आपको जो बैकग्राउंड है सेम एज इट इज़ बैकग्राउंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, कोई चेंजेस आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। सिंपली मैंने यहाँ से इसको मूव करा दिया, इधर मूव करा दिया। तो एक टूल है जिसका नाम है कॉन्टेंट अवेयर मूव टूल। यहाँ पे कॉन्टेंट अवेयर मूव टूल, ये जो टूल है ये हायर वर्सन फोटोशॉप का उसमें अवेलेबल है, उसमें आपको मिलेगा। पुराने वाले वर्सन जो है उसमें ये टूल अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुराने वाले वर्सन में आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, होता है। तो इस टूल की मदद से हायर वर्सन में आप इजली किसी को भी एक जगह से दूसरे जगह मूव करा सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल से आपको यहाँ पे एक फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए फ़ोटो यहाँ पे। और यहाँ पे सपोज़ मान लेते हैं जो मैं एग्जांपल अभी मैंने दिखाया आपको, ये यही सेम मैं करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए इस मॉडल को मैं इधर से इधर मूव कराना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। फ़िलहाल मैं फ़ोटोशॉप 2021 जो वर्सन है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, फ़ोटोशॉप का 2021 वर्सन का यूज़ कर रहा हूँ। अब करना क्या होगा, आपको टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ पे ये जो टूल आपको दिखाई दे रहा है स्पॉट हीलिंग टूल के साथ ही ये आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉन्टेंट अवेयर मूव टूल, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नॉर्मली जिसको आपको मूव कराना है उसे सिलेक्ट करना होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग लैसो टूल या अदर्स टूल से सिलेक्ट करते हैं, सेम उसी टेक्निक से आपको सिंपली इस तरह ड्रैग करके आपको इस तरह ये जो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट है उसके चारों तरफ इस तरह आपको ड्रैग करके इस तरह आपको सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैं इसको नॉर्मली जैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं इसको हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करना होगा, जब इस टूल को हम लोग यूज़ करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सिलेक्शन वाला ये ऑन होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे मोड दिया हुआ है। जब यहाँ पे दो मोड दिया हुआ, एक है आपका एक्सटेंड है जो पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने बताया है, और दूसरा है मूव है। जब किसी को सब्जेक्ट को चाहे वो फोटो हो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको अगर मूव कराना है तो ये मूव वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर 7 है और कलर में कुछ चेंजेस करना है ये ट्राई करके देख सकते हैं इसको कम ज़्यादा करके। तो फिलहाल जो डिफ़ॉल्ट है मैंने एज इट इज़ रखा है और इसका भी मैं यूज़ आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं सिंपल पहले दिखा देता हूँ इसको ऑन करने से क्या बेनिफिट होता है। अब जब हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया है, अब इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको जिधर रखना है उसको ड्रैग करके आप ले जाएँ इस तरह। अब ठीक इस जगह जिस जगह आपको बैठाना है, जैसे यहाँ पे मुझे रखना है, इसको यहाँ पे लाके आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अब यहाँ पे देखिए टिक मार्क है, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अब इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एनालाइज होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। इस पर मैंने इंटर दबाइए या तो इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब क्या होगा, देखिए एनालाइजिंग हो रहा है। अब ये वाला जो मॉडल यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक इधर देखिए मैंने इसको इधर मूव किया है, थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा यहाँ से ये हट जाएगा और ये वाला जो इधर मूव किया है ये यहाँ पे रह जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा एनालाइज होगा, उसके बाद ये फोटोशॉप आपका एनालाइज करता है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, देखिए ये एनालाइज होने वाला है, कम्प्लीट होने वाला है, उसके बाद मैं आपको और भी एक दो ऑप्शंस बताता हूँ। बहुत काम का ये टूल है। अब देखिए यहाँ से देखिए ये मॉडल जो यहाँ पे था यहाँ से इसको मूव करके इधर आ गया, देख सकते हैं। अब ये जो सिलेक्शन अभी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको कैसे हटाएंगे, ये हो जाने के बाद सिलेक्ट में जाएं, जाने के बाद यहाँ पे डीसेलेक्ट है, इसको डीसेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ऐसा पता ही नहीं चलेगा, देखिए यहाँ से मैंने इसको इधर मूव किया, देख सकते हैं बैकग्राउंड एज इट इज़ है, देख सकते हैं सेम टू सेम यहाँ पे एज इट इज़ इसका बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ब्लरनेस या ये करने से अगर आपको साइड में कुछ ऐसा चेंजेस नज़र आता है तो आप इस टूल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्लर टूल है इसको लेकर आप हल्का हल्का साइड किनारे आपको लगता नहीं ज़्यादा ये मैच करना है बैकग्राउंड के साथ तो हल्का हल्का इस तरह ड्रैग करके आप इसको ब्लर कर सकते हैं। अब रहा सवाल, एक ऑप्शन मैं आपको बताऊँगा, एक और भी ऑप्शन था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, इसको फिलहाल पहले की अवस्था में कर देते हैं। फाइल में जाकर इसको हम लोग यहाँ से रिवर्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए अब एक अवस्था और मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऑप्शन और मैं आपको बताऊँगा इसी टूल का। देखिए यहाँ पे टूल में जाते हैं, ये जो कंटेंट अवेयर टूल पे मैंने क्लिक किया और सिंपली फिर से इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ये मैं इस तरह ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ये सिलेक्ट कर दिया ऐसे करके मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ।
सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मूव ऑन रखा है, अब इसको भी ऑन कर दें, ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप दिया हुआ, देखिए इसको ऑन करके रखिएगा तो क्या होता है देखिए। अब इसको मैं ड्रैग करके ले जा रहा हूँ, यहाँ देखिए यहाँ से मैं इसको इस जगह पे ले गया, थोड़ा नीचे यहाँ पे रखा। अब जैसे इसको यहाँ पे रखा तो देखिए यहाँ पे स्केलिंग के लिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्केल भी इस तरह फोटो को इस तरह मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्केल कर दूँ, स्केल देखिए स्केलिंग भी कर दिया। करने के बाद फिर आपको एनालाइज वाला ये जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना होगा या तो इंटर आपको प्रेस करना होगा। देखिए मैं इंटर प्रेस करूँगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। उसके बाद देखिए इस तरह स्केलिंग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फोटो देखिए कितना छोटा है, ये देखिए बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। इसको आप इस पर टिक पे क्लिक करते हैं, ये देखिए मैंने क्लिक किया, अब एनालाइज हो रहा है देखिए। थोड़ा सा ध्यान रखें, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फाइनली क्या हुआ है। मतलब यहाँ से इसको इधर मूव तो करा दिया, अब इसका साइज भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ से बड़ा कर देते हैं, ये देखिए। थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें, उसके फाइनली मतलब ये बहुत ही कमाल का टूल है, बहुत कम समय में बहुत कुछ आप इस टूल के मदद से करते हैं हम लोग कंटेंट अवेयर मूव टूल से। ये देखिए हो गया, अब ये सिलेक्शन को हटाना है, सिलेक्ट में जाइए यहाँ से, इसको आप डिसलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए देख सकते हैं कितना खूबसूरती के साथ, देखिए यहाँ से मैंने इसको इधर मूव भी करा दिया, प्लस क्या हुआ देखिए इसका साइज़ भी मैंने यहाँ से बड़ा कर दिया। अब थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि नहीं फोटो में थोड़ा सा आपको ब्लर साइड साइड में थोड़ा सा लगता है कि नहीं व्हाइटनेस ज़्यादा है, तो हल्का हल्का यहाँ पर ब्लर आप चला दीजिए, फ़ोटो के साथ ये मैच कर जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये हो जाने के बाद अगर आपको लगता है नहीं अब मुझे इसका आउटपुट निकालना है तो उसके क्या करेंगे, तो ओरिजिनल फ़ोटो था, अब यहाँ फाइल में जाइए, जाने के बाद यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स आता है, इस तरफ सेव ऑन योर कंप्यूटर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दिया। अब कहाँ पर आपको सेव करना है, सपोज़ मुझे डेस्कटॉप पर सेव करना है तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर देखिए फुल शॉर्ट फ्रेंड जंपिंग भी जो ओरिजिनल फ़ोटो का नाम था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कर देते हैं फाइनल मूव MOV मूव इमेज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जाके हम लोग सेव पे क्लिक कर देंगे, ये मैंने कर दिया, ये क्वालिटी 12 मैक्सिमम, अब ओके पे हमें क्लिक कर देना है। ये JPG फॉर्मेट में ये मेरा फ़ोटो डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अब इसको देखना है अगर आप हैं तो यहाँ पे इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं, ये देखिए फाइनल मूव देखिए यहाँ पर इमेज दिखाई दे रहा है। अब इसको राइट क्लिक करके आप देख भी सकते हैं, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करते हैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता ही है। अब उसके बाद देख ही लीजिए फाइनली, ये देखिए देख सकते हैं ये फ़ोटो, कोई बोल ही नहीं पाएगा देखिए, जैसे यहाँ से इस फ़ोटो को मैंने इधर मूव किया है। अगर मैं इसको रिवर्ट करता हूँ ओरिजिनल फ़ोटो को, ये ओरिजिनल फ़ोटो था मेरा, अब फाइल में जाकर यहाँ से अगर रिवर्ट करता हूँ यहाँ पर इसको, ये देखिए ये वाला ओरिजिनल फ़ोटो था मेरा, और फाइनली जो फ़ोटो अभी मैंने चेंज किया देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कंटेंट अवेयर मूव टूल के माध्यम से इजी तरीके से आप किसी को भी एक जगह से दूसरे जगह हम लोग मूव करा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।